हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजन पात्र और मेरे पास एक है सैमसंग J2 की हैंडसेट है। तो दोस्तों देखिए, ये आपकी सैमसंग J200G की हैंडसेट है। और इस पर दोस्तों प्रॉब्लम देखिए, मैं बैटरी डालता हूँ, तो बैटरी डालने के बाद फ़ोन को स्विच ऑन कर लेते हूँ। तो स्विच ऑन करने का ये देखिए J2 आ गया, उसके बाद कस्टम बैनरी ब्लॉक बाय FRP लॉक। तो ये प्रॉब्लम हुआ है आपकी फ़ोन पे, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको देखिए ध्यान से दोस्तों देखिए, नहीं तो ये जो वीडियो है आप ही समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, तो उसके बाद मैंने अपनी PC पे जा रहा हूँ। तो उसके बाद देखिए, मैं PC पे जाने के बाद तो नॉर्मल बात ये कि जो बैनर FRP लगे, FRP का मतलब कि हमारा पास J2 का FRP लॉक है, तो जिसको मैंने अभी FRP लॉक करूँगा। तो ये देखिए, ये मेरा ओडिन है और ये आप मेरा J2 का फ्लैश फाइल और ये J2 का FRP अनलॉक। और दोस्तों ध्यान रखता है दोस्तों, ये जो J2 का जो FRP फाइल होता है, मैं और थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये देखिए, ये जो J2 का जो FRP फाइल होता है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, लेकिन फ्लैश फाइल को एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन ये तो J2 FRP को एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसके पहले मैंने ओडिन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ओडिन टूल। तो ओडिन को एक्सेप्ट करने के बाद ये आ गया ओडिन टूल, उसको ओपन कर लेते हैं, फिर से और एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये आ गया मैं ओडिन का टूल, मैं और थोड़ा डाउन कर लेते हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये आ गया आपकी ओडिन का टूल। तो ओडिन का टूल आने के बाद ये देखिए, मैंने FP को सिलेक्ट करता हूँ और ये मेरा J2 200G FRP का फाइल है, उसको ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद नॉर्मल में मोबाइल को ओडिन मोड पे ले आते हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी FRP लॉक है, ये देखिए FRP लॉक। उसको मैं केबल से कनेक्ट करती हूँ मेरे PC पे, और केबल पे कनेक्ट करने के बाद ये एडेड आ गया। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ पर देखिए रिजोटा ले गया, रिसेट ले गया और आपकी फ़ोन रीबूटिंग भी हो गया। तो आपके FRP रिमूव हो गया, लेकिन यहाँ पर FRP रिमूव नहीं हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पर देखिए, फिर से मैं फ़ोन को स्विच ऑन करता हूँ तो ये FRP लॉक नहीं हुआ। जो भी प्रॉब्लम था वो सही है। तो आप उसको क्या करेंगे दोस्तों, J2 फ़ोन को कैसे फ्लैशिंग करते हैं उसका वीडियो में ऑलरेडी YouTube पर है, आप सर्च कर लेंगे कैसे उसको फ्लैश करते हैं, वो आपको फ्लैश करना होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैंने अभी शॉर्टकट पे उसकी जो फ्लैश पहले मेरे पास, उसको मैंने एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो मेरा फाइल अभी एक्सेप्ट हो रहा है, और उससे पहले उसकी जो फ्लैश पहले कहाँ से आप डाउनलोड करोगे वो बात मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, पहले आपको यहाँ पर गूगल पे जाना होगा, ये देखिए गूगल पे आ गई। तो गूगल पे आने के बाद यहाँ पर सर्च करना होगा J2 फ्लैश फाइल, FLASH, अरे दोस्तों J2 फ्लैश फाइल, ये दोस्तों देखिए J2 फ्लैश फाइल। तो J2 फ्लैश फाइल आने के बाद ये देखिए repairmobile.in, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक कर आपको यहाँ पर नीचे आना होगा, और ये देखिए U2 वर्जन, तो आप उसको क्लिक करने से आपके J2 फोल्डर या J2 फ्लैश फाइल डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हम यहाँ देखेंगे हमारा जो फ्लैश फाइल था
वो एक्सटार्ट हो गया या नहीं हुआ, वो कंटिन्यू चल रहा है। तो दोस्तों देखिए अभी ये एक्सटार्ट हो चुका है। तो उसके बाद ये Z2 का फ्लैश फाइल, तो ओडिन ओपन करेंगे और ये जो FR ब्लॉक फाइल दिया था उस पर साइड पे मैंने उसको रिमूव करके Z2 का फ्लैश फाइल दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने Z2 का फ्लैश फाइल दे दिया और उसके बाद मैंने फ़ोन को देखिए स्विच ऑन करता हूँ, तो ये देखिए कस्टम बैनर फाइल यहाँ पे शो कर रहा है। उसको बैटरी निकल कर मैं ओडिन मोड पे ले जाती हूँ। तो ओडिन मोड ले आने के बाद फ़ोन को मैंने कनेक्ट करती हूँ। तो दोस्तों मेरा बैटरी थोड़ा लूज हुआ है, ओडिन मोड पे ले आती हूँ और उसके बाद फ़ोन को कनेक्ट करती हूँ। तो कनेक्ट करने के बाद मैंने उसको फ्लैश करती हूँ। ये देखिए आपके फ़ोन अभी फ्लैश हो रहा है। देखिए उसके बाद आप फ्लैशिंग कम्प्लीटली और आपके फ़ोन अभी रीसेट हो रहा है। तो ये देखिए आपके फ़ोन अभी रीसेट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप केबल को डिसकनेक्ट कर लीजिए और थोड़ा वेट कर लीजिए ये फ़ोन स्टार्टअप होने के लिए। उसके बाद देखिए ये ऑटोमेटिक एक्सटर्नल सिस्टम अपडेट ले रहा है, उसका रीबूट ले रहा है। उसके बाद देखिए सैमसंग का लोगो आ गया। उसके बाद इंस्टॉल एप्लीकेशन, उसका देखिए उसके बाद आपके फ़ोन अभी इंस्टॉल एप्लीकेशन ले गया और उसके बाद देखिए आपके फ़ोन ओपन हो गया। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी दे दीजिए। ध्यान रखना दोस्तों, पहले आप ये जो FR फाइल देकर आप अनलॉकिंग कर लेंगे, उसके बाद आप फ़ोन को फ्लैश करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो अच्छा लगा था कि लाइक ज़रूर दे दीजिए।